पवित्र बाइबल से आपने थोड़ी देर पहले अभी एक वचन सुना और उसमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे उस जमाने में बहुत लोग घूमा करते थे, हजारों की संख्या में, 5-5 हज़ार की भीड़ को 5 रोटियों 2 मछलियों से खिलाया करते थे। आश्चर्यकर्म रोज़ होते थे, अंधों की आंखें खोलते थे, बहरों के कान खोलते थे, गूगों की जुबान खोलते थे, लंगड़ों को चलाते थे, कोड़ियों को शुद्ध करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, सब कुछ भला ही करते रहे वो। और पूरे सीरिया देश में, पूरे इसराइल में, पूरे यरूशलेम में, चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह की चर्चा फैल गई थी, क्योंकि वो परमेश्वर के उस मिशन को पूरा कर रहे थे जो स्वर्ग से लेकर वो स्वयं आए थे। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले की घटना है कि पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में एक क्वारी के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्म लिए। उनका जन्म किसी मनुष्य की सहायता से नहीं हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर किसी मनुष्य की सहायता से नहीं भेजा, परंतु एक क्वारी, एक लड़की की, एक औरत की आवश्यकता ज़रूर थी मनुष्य के जन्म लेने के लिए। उसके बिना मनुष्य का जन्म लेना असंभव था। पृथ्वी पर सोचिए महिलाओं की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है और कितना उनका महत्व है। महिलाओं के बिना ये पृथ्वी नहीं चल सकती। महिलाएं उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितना कि मनुष्य पुरुष, जितना बेटा ज़रूरी है उतनी बेटियां ज़रूरी हैं। और बिना बेटियों के परमेश्वर ने मुक्तिदाता को भी जगत में नहीं भेजा, इसलिए माता मरियम की आवश्यकता पड़ी। और माता मरियम धन्य हैं, सारी दुनिया में, सारी स्त्रियों में माता मरियम को बाइबल में लिखा गया है कि वो धन्य हैं, धन्य स्त्री हैं। और लिखा है कि सारा जगत और युग युग तक लोग माता मरियम को धन्य कहा करेंगे। जय यीशु। और परमेश्वर ने मुक्तिदाता अपने पुत्र यीशु मसीह को एक क्वारी के द्वारा इस पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेजा। हम जानते हैं कि मनुष्य बन ही नहीं सकता जब तक कि वो गर्भ से, स्त्री के गर्भ के द्वारा इस पृथ्वी पर न जन्मे, वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। और मनुष्य का होना, परमेश्वर को मनुष्य बनने के लिए एक महिला के गर्भ की आवश्यकता पड़ी। परमेश्वर मनुष्य बना और पूरे 9 महीने तक एक सीमित गर्भ में, एक महिला के गर्भ में 9 महीने तक लाचार के समान उस गर्भ में रहा। सोचिए, सर्वसामर्थी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, सारी मानव जाति उसी ने बनाई। और जब मनुष्य की रचना उसने की तो मनुष्य की रचना के लिए उसने मिट्टी ली और मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में सांस फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और इसीलिए उसको आदम कहा जाता है। आदम हिब्रू भाषा में आदमा शब्द का अर्थ है मिट्टी, यानी मिट्टी से निकाला हुआ। आदमा मिट्टी से बना, आदम का मतलब है मिट्टी। और मिट्टी से प्रभु ने मनुष्य की रचना की, परंतु मनुष्य के अंदर अपना सांस फूंका है। मनुष्य में और जानवरों में बड़ा अंतर है। कल हमने इस बात को सुबह के समय बताया था कि आदमी में और जानवर में अंतर क्या है। आदमी त्रिएक है, मनुष्य शरीर है, प्राण है और आत्मा है। यानी मनुष्य जो है स्पिरिट है, सोल है और बॉडी है। और सोल के अंदर क्या होता है, माइंड होता है। सोल के अंदर विल होती है, इच्छा होती है और इमोशंस होते हैं। ये सोल है, इमोशंस, माइंड और विल, ये सारी चीज़ें जानवरों में भी पाई जाती हैं। लेकिन जानवरों के पास एक चीज़ नहीं है, वो आत्मा है। और आत्मा के कारण जानवर, आत्मा न होने के कारण जानवरों की सोल भी समाप्त हो जाती है उनके शरीर के साथ साथ। जब शरीर समाप्त होता है तो सोल भी खत्म हो जाती है, प्राण भी खत्म हो जाता है। परंतु मनुष्य का प्राण कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके साथ आत्मा होता है।
स्पिरिट होती है। परमेश्वर ने अपनी सांस फूंकी जब मनुष्य की सोल में, मनुष्य के प्राण में, तो मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य जीवता प्राणी बन गया परमेश्वर की सांस के द्वारा, और मनुष्य के अंदर एक मनुष्य का आत्मा पैदा हो गया। यानी मनुष्य एक शारीरिक और एक सोलिश प्राणी होने के बावजूद आत्मिक प्राणी बन गया। मनुष्य आज आत्मिक प्राणी है मेरे प्रियो, इसलिए उसका न तो प्राण खत्म होगा न उसकी आत्मा, क्योंकि प्राण और आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं। और इसलिए जब मनुष्य का शरीर समाप्त होता है तो उसका प्राण और आत्मा पेरिशेबल नहीं है, मॉर्टल नहीं है, इमॉर्टल है, वो मरता नहीं है, लेकिन उसका न्याय किया जाएगा। जो कुछ हमने शरीर में किया है पृथ्वी पर, उन सारी चीज़ों का न्याय किया जाएगा। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हर एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, मरने के बाद नहीं। लोग सोचते हैं अरे भाई मरने के बाद सबका न्याय होगा, मरने के बाद न्याय नहीं होगा, जीने के बाद न्याय होगा। न्याय होगा जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे दोबारा, कब्रें खुल जाएंगी, पृथ्वी पर सारी जगह से मुर्दे निकलकर बाहर आ जाएंगे, चाहे वो मुर्दे समुद्र में हो, चाहे वो नदियों में हो, चाहे वो जमीन के अंदर हो, सब के सब जीवित किए जाएंगे। क्योंकि यही हकीकत है, शरीर में पाप किया है तो क्या आत्मा को दंड दिया जाएगा? अरे जिस हाथ से पाप किए हो उसी हाथ पे दंड हथौड़ा लगेगा, उसी हाथ को दंड दिया जाएगा जिस हाथ से आपने पाप किया है, जिस मुंह से पाप किया है उसी मुंह को दंड दिया जाएगा, शरीर के हर अंग को दंड दिया जाएगा जिससे मनुष्य ने गुनाह किया है। मेरे प्रियो, अगर हम अपने गुनाहों से मन फिरा लें और अपनी बुरी चाल को छोड़ दें जब हम पृथ्वी पर जीवित हैं, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि मनुष्यों को एक मौका दें, हर एक मानव को एक मौका दें कि वो अपनी बुरी चाल को छोड़ दे और जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास लाए और उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करके अपने पापों की क्षमा मांग ले, तो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। क्योंकि क्षमा करने की ताकत केवल ईश्वर में है, और ईश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर एक ही बार प्रकट हुआ है। मेरे प्रियो, एक ही ईश्वर है, एक ही बार हमारा जीवन है पृथ्वी पर। हम 10 दफा पृथ्वी पर पैदा नहीं होंगे, हमारा जन्म एक ही बार होता है। एक बार मनुष्य का पैदा होना, मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। और न्याय तो मुर्दों का नहीं होगा, न्याय जिंदों का होगा। मुर्दे जिंदा किए जाएंगे तब न्याय होगा, वरना न्याय का तो कोई अर्थ ही नहीं है। अगर खाली ये आदमी सोच ले खाओ पियो मौज करो बुरा करो या भला करो उसके बाद तो मरना ही है, ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी मुर्दों को जिंदा किया जाएगा, यही बाइबल कह रही है। और इधर जीवता परमेश्वर कह रहा है, जिसने मौत पर जय पाई है, जो 2000 साल पहले क्रूस पर टांगा गया था, जिसने अपने प्राणों को त्यागा था, जिसने अपने लहू को बहाया था और कहा था हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, जिस दिन ये सत्य को जानेंगे और सत्य इन्हें आजाद कर देगा पाप से, श्राप से, मृत्यु से और उस दूसरी मृत्यु से जो दंड के बाद आने वाली है। ये दूसरी मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है, जिसमें मनुष्य का शरीर, प्राण और आत्मा तीनों दंडित किए जाएंगे यदि उन्होंने मन नहीं फिराया और अपनी बुरी चाल को छोड़ा नहीं और जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, अपने चेलों से कह रहे हैं, चेलों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 34 पद से कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले।
लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत आसान है, यीशु मसीह के पीछे चलना वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। यीशु मसीह ईश्वर है हम मान लेते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर है हम मान लेते हैं, यीशु मसीह मुक्तिदाता ये भी मान लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना का अर्थ है उनके वचन पर चलना। यीशु मसीह कह रहे हैं सारी दुनिया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5:43 से यीशु कहते हैं सारा जगत कहता है कि तुम अपने बैरियों से बैर रखो, अपने दुश्मनों से दुश्मनी और अपने पड़ोसी से प्रेम, परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं एक नई व्यवस्था दे रहा हूं, ये स्वर्ग राज्य की व्यवस्था है, स्वर्ग राज्य की व्यवस्था है कि तू अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से, बैरियों से प्रेम कर और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, तब तू परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाएगा, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर तुम केवल अपने लोगों को ही सलाम दुआ करते हो, अपने जाति भाइयों को ही सलाम दुआ करते हो, उन्हीं का ख्याल करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो। दुष्ट लोग भी अपने बाल बच्चों का, नाते रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं। तुम में और दुष्टों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि हम दुश्मनों से प्यार करते हैं और सताने वालों को प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने में आपको सारे दुश्मनों से दुश्मनी छोड़नी पड़ेगी, उन दुश्मनों को मित्र बनाना पड़ेगा, उनके लिए प्रेम करना पड़ेगा, उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन्हें तुम दुश्मन समझ रहे हो वो भी प्रभु यीशु मसीह का बनाया हुआ, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ दूसरा मानव है, जिससे तुम नफरत कर रहे हो, जिससे तुम घृणा कर रहे हो, वो मानव भी परमेश्वर का स्वरूप है, उससे घृणा कर रहे हो तुम, तो ईश्वर से घृणा कर रहे हो। आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जब आत्मा शरीर पर प्रभावी होता है, जब आत्मा शरीर की क्रियाओं को मार डालता है और आत्मा का जन्म हम लेते हैं, जब एक तो हमारा जन्म होता है शरीर का जन्म, यानी हम मनुष्य से पैदा होते हैं, दूसरा जन्म होता है हम परमेश्वर से पैदा होते हैं, ये आत्मिक जन्म है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 1:12 में कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो जब परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, वो परमात्मा है, और जब हम उसकी संतान हो गए तो हम भी आत्मा हो गए। हालेलुया, हम भी आत्मिक प्राणी बन गए, और जितने आत्मिक प्राणी हैं ये सब परमेश्वर की संतानें हैं। तो हर एक मनुष्य को जो पृथ्वी पर मनुष्य से जन्म लेता है उसे दोबारा जन्म लेना अवश्य है, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, नहीं तो वो परमेश्वर के राज्य में किसी हालत से प्रवेश नहीं कर सकता। ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है? हमने बताया ये विश्वास का जन्म है, ये आत्मिक जन्म है। शरीर आपका वैसा ही दिखाई देता है, शक्ल सूरत नहीं बदलती है, वही नाम है, वही शक्ल सूरत है, वही डॉक्टर बीबी राय हैं, कोई अंतर नहीं है इनकी शक्ल सूरत बोलचाल आवाज में, लेकिन अंदर से ये आत्मिक प्राणी बन गए हैं। ये दुश्मनों से दुश्मनी नहीं रखते, अब ये दुश्मनों से प्रेम करने लगे हैं, अचानक ऐसा हो गया है, ये दया करने लगे हैं, बुराई खत्म हो गई है, घृणा खत्म हो गई है, नफरत नहीं है किसी के प्रति, प्रेम ही प्रेम है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर के पुत्रों की पहचान है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जिसके अंदर प्रेम नहीं उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। नफरत में ईश्वर का वास नहीं है मेरे प्रियो। अगर नफरत कोई सिखाता है और नफरत कोई रखता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है, और अगर हमारे अंदर प्रेम है तो इतना प्रेम है कि मित्रों से तो हम प्रेम करते ही हम दुश्मनों से भी प्रेम करने लगते हैं।
ये आपका जीवन होना है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ ये है। तो जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, यानी अपने आप को अपनी लालसाओं समेत हमें क्रूस पर टांग देना है। हालेलुया। अपने शरीर की लालसाओं समेत घमंड, शरीर का घमंड, आंखों की लालसाएं, शरीर की लालसाएं सब उठा के क्रूस पर टांग देना है और यीशु के पीछे हो लेना है। यह है यीशु के पीछे होने का अर्थ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? सोचिए जरा, हम सारे संसार को प्राप्त कर लें। बहुत बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने कहा हम दुनिया को जीतेंगे। उन्होंने लाखों लोगों को तलवार के घाट उतार दिया, लेकिन दुनिया को जीत नहीं पाए। हो सकता है दो चार देशों को जीत लिया हो, चार छह देशों पर उनका राज्य हो गया हो, उनका सिक्का चल रहा हो, उनके छाप का रुपया चल रहा हो, लेकिन जीत नहीं पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक ऐसा राजा है जिसने कोई तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने कोई तलवार नहीं उठाई, लेकिन सारी दुनिया में राज्य कर रहा है। आज हमारे मनों पर राज्य कर रहा है वो। न उसका कोई देश है, न कोई उसका रूप देखने वाला है, न रंग देखता है वो। हर देश, हर रंग, हर रूप के लोगों में यीशु मसीह राज्य कर रहा है। मेरे प्रियो, क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या इंग्लैंड, क्या सऊदी अरबिया, क्या इजराइल, क्या सीरिया, क्या अफ्रीका, कोई देश तो बचा नहीं जहां यीशु राज्य न कर रहे हों। बिना तलवार के, बिना तलवार के राज्य करने वाला ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिसने तलवार न चलाई हो, जिसने किसी की हत्या न करी हो, जिसने कभी कोई लड़ाई न लड़ी और उसने सारी दुनिया को जीत लिया, इसी का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। जिस राजा ने कभी तलवार नहीं उठाई, जिस राजा ने किसी की हत्या नहीं की, जिस राजा ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, स्वयं अपने प्राणों को त्याग दिया, क्रूस पर टंग गया और प्रार्थना करता है पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो राजा जो अंधों की आंखें खोलता है, बहरों के कान खोलता है, गूंगों की जुबान देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, बीमारों को चंगा करता है, वो राजा जो मुर्दों को जिंदा करता है, चार दिन के कब्र में पड़े हुए लाजर को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया, तमाम मुर्दों को जिंदा करने वाला जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु, यही सच्चा राजा है और वही परमेश्वर के राज्य का राजा होगा। और परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का राज्य थमने वाला नहीं है। परमेश्वर का राज्य लगातार बढ़ रहा है दुनिया में। यीशु मसीह राजा माना जा रहा है, नहीं तो 2016 ईस्वी की जगह कुछ और लिख के देख लो, बैंक से एक रुपया नहीं निकाल पाओगे। आज 28 तारीख है ना, 28 अगस्त 2016 ईस्वी, इसके अलावा यीशु मसीह के नाम के अलावा दूसरी तारीख लिखकर पैसा नहीं निकाल पाओगे दुनिया में, किसी देश में, दुनिया के किसी देश में। यीशु मसीह राजा है। हालेलुया। वो राजा है, वो राजा है। हालेलुया, जय यीशु। वो ऐसा राजा है जो प्रेम से राज्य करता है, नफरत से नहीं राज्य करता। उसके लोग प्रेम से राज्य करते हैं, वो प्रेम बांटता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि करे तो उससे क्या लाभ? मेरे प्रियो, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? और जो कोई इस समय इस पापी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेने में शर्माएगा, तो यीशु कह रहे हैं जब मैं अपने पिता के राज्य में महाराजा बनकर इस पृथ्वी पर आऊंगा
अपने दूतों के साथ खड़ा होऊंगा तो मैं भी तुम्हें पहचानने में शर्मा जाऊंगा, लजाऊंगा। यदि यीशु का नाम लेने में हम लजाएंगे तो यीशु मसीह जब दोबारा पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आने वाला है, पृथ्वी का कयामत के बारे में तो हर आदमी बोलता है, हाँ सब दुनिया का अंत होगा, दुनिया का अंत होगा, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि भाई दुनिया का अंत होगा, नहीं, दुनिया की नई शुरुआत होगी। वो अंत नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। अल्फा का मतलब शुरुआत, बिगिनिंग एंड द एंड। तो दुनिया का अंत जो है वो परमेश्वर के राज्य की शुरुआत है, अंत नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, ये तुम्हारे लिए तो खुशखबरी की बात है, दुनिया तुम्हारे लिए खत्म नहीं होगी। दुनिया खत्म होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में अपना नाम नहीं लिखाया है, जिनका स्वर्ग और जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा गया है, उनके लिए दुनिया समाप्त हो जाएगी, उनके लिए जगत का अंत होगा। क्योंकि जिस जिस का नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा होगा वो तो परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाएंगे। मुर्दे जिंदा होने के बाद पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र यीशु के राज्य में शामिल होंगे, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, अपना प्रभु नहीं माना, उस जीवित परमेश्वर को जो कि एक जीवित गवाही है दुनिया के सामने, एक ऐतिहासिक घटना है दुनिया के सामने, 2000 साल पहले यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए। हर आदमी सूली के बारे में जानता है, क्रॉस के बारे में जानता है, रेड क्रॉस के बारे में जानता है। रेड क्रॉस गोपाल यादव ने लिख के भेजा था मुझे, है रेड क्रॉस के बारे में दुनिया जानती है। रेड क्रॉस क्या है? ये वहीं से निकला है, यीशु मसीह के नाम का ही क्रॉस है, उसी क्रॉस पर यीशु का लहू बहाया गया, इसलिए क्रॉस रेड हो गई, लाल हो गई। यीशु का लहू है जो सारे मनुष्य को पापों से छुड़ाता है, लहू से मनुष्य बचता है। मनुष्य का लहू मनुष्य में ही चढ़ सकता है, जानवरों का लहू मनुष्य में नहीं चढ़ सकता। कोई मनुष्य जानवर के लहू से नहीं बच सकता। अगर अस्पताल में कोई एडमिट है और कहे डॉक्टर के भाई खून की ज़रूरत है, तो जाओ एक बकरा काटो और उसका खून भर के ले आओ बाल्टी में, डॉक्टर चढ़ा देगा, बकरे का खून चढ़ाएगा? तो बकरे के खून से तुम बच नहीं सकते अस्पताल में, तो बकरे की कुर्बानी से तुम क्या बचोगे? बकरे की कुर्बानी से तुम्हारे पाप धुल नहीं सकते। तुम्हारे पाप धुल सकते हैं तो यीशु मसीह के लहू से, मनुष्य से। तो पाप धोने के लिए हमें जानवर को नहीं काटना है मेरे प्रियो। जानवर का लहू तुम्हारे गुनाह नहीं धोएगा, तुम्हारा गुनाह धोएगा तो यीशु का लहू, वो रेड क्रॉस, वो लाल क्रॉस जिस पर यीशु का लहू बहाया गया है, उसी पर विश्वास करके हमारे पाप यीशु के लहू से धो दिए गए हैं 2000 साल पहले। हम मानवों को विश्वास करना है केवल, और जो विश्वास करे उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यीशु ने कहा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तु पी जाए तो अभी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। यीशु दरबार में आप विश्वासियों के चिन्ह देखते हैं, आपने सैकड़ों लोगों की गवाहियां सुनी हैं, उन सारे बहन भाइयों ने जीवते परमेश्वर से प्रार्थना की है। प्रार्थना का उत्तर देने वाला ईश्वर अगर जिंदा है तभी तो उत्तर देगा। अरे भाई, जब तक माता पिता आपके जीवित होते हैं आप उनसे जो मांगते हो देते हैं, है ना? माता पिता अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। अगर माता पिता की हैसियत साइकिल की है तो वो साइकिल देते हैं, अगर उनकी हैसियत ट्रैक्टर की है तो ट्रैक्टर देते हैं। ट्रैक्टर मिलता है किसी को कार की जगह? बच्चा रोटी मांगता है तो माता पिता उसे पूड़ी खिलाना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाना चाहते हैं। लेकिन जब माता पिता का देहांत हो जाए, बूढ़े हो जाए, चले जाए दुनिया से, उसके बाद उनकी कब्र पर चले जाओ, वो कुछ दे पाएंगे? हैं? कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो मर गए, तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे सकते।
लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जीवित निकलकर बाहर आए थे और हाड़ मास में, बाइबल में लिखा है, गवाहों ने लिखा, अपनी आंखों देखा हाल लिखा है, उन्होंने उनके हाथ से भोजन खाया है जीवित होने के बाद, और 40 दिन के बाद जीवित स्वर्ग पर उठाए गए बादलों में, आंखों के सामने हजारों लोगों के यरूशलेम के अंदर, वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट लिखी, उस जमाने की पढ़े लिखे लोग थे उस इलाके में, और यह ऐतिहासिक घटना हुई है। चूंकि यीशु मसीह जीवित स्वर्ग पर उठाए गए हैं और जीवित पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए जीवित और जागृत है। हालेलुया, जय यीशु। यीशु मसीह जीवित है, बोलिए, यीशु मसीह जीवित है और पिता के दाहिने हाथ हैं, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं और आज देंगे। आज हमारी प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह आज देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जो जो आपकी तकलीफें शरीर में हैं, यदि बीमार और रोगी है कोई भी, आपके घर में कैसी भी बीमारी तकलीफ है, आप एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ और अपने अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हो, प्रार्थना करो, आज यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। हालेलुया। इस समय प्रार्थना हम करेंगे आपके साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का प्रमाण है। हालेलुया। आंखों में रोशनी नहीं है, दिखता नहीं है, आंखों पर हाथ रख लो, कान से सुनाई नहीं देता है तो कान पे हाथ रखवा दीजिए, सर में है कोई परेशानी सर पे हाथ रख लो, सीने में हाथ रख लो, चर्म रोग है, घबराहट है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, सब प्रकार के चीनी के रोग है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ। इस घड़ी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आप हमारे साथ साथ प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर पिता, आज हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे वास्ते इस दुनिया में आए, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को अपनी देह पर उठाया, हमारे रोग और बीमारियों को अपनी देह पर उठाया, हमारे कंगालपन को, हमारी गरीबी को अपनी देह पर उठाया और क्रूस के ऊपर प्राणों को त्यागा, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन सुरक्षित है और प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास जीवित है, इसलिए हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, एकमात्र मुक्तिदाता, एक ईश्वर, एक ही प्रभु, एक ही उद्धारकर्ता ग्रहण करते और यीशु को छोड़ जीवन पर्यंत किसी और को ईश्वर या मुक्तिदाता उद्धारकर्ता नहीं मानते। हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में आइए और मुझे चंगा कीजिए, मेरे जीवन का श्राप खत्म करिए, बीमारी खत्म करिए, रोग खत्म करिए, अंधापन दूर हो, बहरापन दूर हो, गूंगापन दूर हो, दुष्ट आत्माएं हट जाए, श्राप टूट जाए, मेरे घर में आशीष आए, कंगालपन खत्म हो, गरीबी खत्म हो, आशीष आए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जय यीशु, आमीन। अब परम प्रधान पिता पुत्र पवित्र आत्मा रूहन दाला बेरी हन शाखे देवे इब्रिहन सारी अंदाला बो रूहन दा बेरी हन शाखा राबे इरही शाखरिंद बिरिया मसरत तलबिया अब रही मसरत तलबेरी हा वश्री अंदाला। यीशु नासरी के नाम से मैं इस घड़ी सारी दुष्ट शक्तियों को, बीमारी और रोगी आत्माओं को
अंधापन, बहरापन, गूंगेपन की दुष्ट आत्मा को निकलने का हुक्म देता हूं। अथाकुंड में जाए, कैंसर को श्रापित करता हूं। अगर कोई गांठ है, रसौली है, कैंसर है, यीशु के नाम से जड़ से निकल जाए, उखड़े और अथाकुंड में जाए। पेट का रोग है, पेट में दर्द है, सीने में दर्द, जोड़ों में है, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। यीशु मसीह तुम्हारे रोग को खत्म करता है। यीशु मसीह तुम्हारे रोग को समाप्त करता है। बहन चमेली है, कोई चमेली है, उसके फेफड़ों में बहुत तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह आज तुझे छुड़ा रहा है, तेरा चंगाई दे रहा है। भाई राम सेवक, तुम्हें अस्थमा का रोग है, दमा का रोग है, यीशु मसीह के नाम से हम दमा को हुक्म देते हैं, राम सेवक तुम्हारे जीवन से निकल जाए। हर प्रकार का लुंजपन तुम्हारे जीवन से हट जाए, श्राप टूटे, तुम्हारे लिए आशीष बोलता हूं। औलाद नहीं है, बे औलाद है, निसंतान है, यीशु के नाम से हम आशीष बोलते हैं। यीशु नासरी के नाम से आपके गर्भ पर आशीष, गर्भ का फल और परमेश्वर का वरदान संतान को रिलीज करते हैं। हर एक चर्म रोग, हर एक प्रकार का चर्म रोग यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। हर प्रकार के चर्म रोग को, आंखों में रोशनी दिए, देखो आंखों में जांच लेना। हर प्रकार का ट्यूमर खत्म हो रहा है, दुष्ट आत्माएं निकल रही थरथराती और कांपती हुई यीशु नासरी के नाम से। हम उन्हें आज्ञा देते हैं, इस घड़ी निकल जाए, निकलो, जो भी हो तुम दुष्ट आत्मा हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से निकल जाओ। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुआ है, पवित्र आत्मा आपको टच किए है, जहां भी आप हो आपको प्रभु ने छुआ है। अपने शरीर को जांच लीजिए, और अभी तुरंत चंगाई मिली है, वो निकलकर दौड़कर बाहर आएंगे, अपनी गवाही देंगे।